वाहे गुरु 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी शैभं गुर परसा बर न सकूं जैसा तू है वर्ण न सकूं जैसा तू है साचे अलख अपारा साचे अलख अपारा
अतुल अथाह अडोल स्वामी, अतुल अथाह अडोल स्वामी, नानक खसम हमारा, नानक खसम हमारा। सतगुरु दर्शन दर्शन दर्शन, सतगुरु दर्शन दर्शन दर्शन, सतगुरु दर्शन दर्शन दर्शन, सतगुरु दर्शन दर्शन दर्शन, तन है तन दर्शन दर्शन, सतगुरु दर्शन दर्शन दर्शन, तन दर्शन दर्शन दर्शन, तन
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਾਰਗ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਤਨ ਚਲਾਇਆ
पाओ भगत गुर सिख ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਛਣਾ ਵੀ ਤਨ ਤਨ ਹੈ ਪਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਤ ਹੋਮੈ ਮਾਰੀ
सतगुरु जी के दर्शन हो जाए तपते हिरदे ठंडे हो जाते ने। सतगुरु जी का मिलाप हो जाए होमे तो मुक्ति मिल जाती है। एक होर शब्द विच कहा वो सतगुरु वेख विकसिया हर नामे लगा प्यार। नाम नाल प्यार हो जाता है जो सतगुरु जी के दर्शन हो जाए। पर वेखना यह है सतगुरु जी दे दर्शन दा वर्तना किस तरह है। जदों भाई गुरदास जी की इस पंक्ति नूं विचारीए ते समझ आ जाती है पार ब्रह्म गुरु रूप होए साध संगत गुरु शब्द समाया। पार ब्रह्म गुरु रूप होए ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहाए। तांते अंगद भयो तस्यो तत् मिलाए। लेकिन गुरु शब्द रूप होके सत्संग विच वरत्या। इस दा भाव यह होया गुरु वरतदा ही शब्द रूप हो। जे गुरु शब्द रूप होके गुरु वरतदा है तां फिर गुरु दे दर्शन गुरु शब्द दे दर्शन हन। मैं अपने कोलों कोई गल नहीं कहनी जो गुरु राही गुरु शब्द राही सतगुरु जी की जीवनी राही समझ आई वही तुहाड़े नाल सांझी करनी है। एक समा ऐसा आया धन गुरु अंगद देव जी महाराज माता वैराही दे कर गए अंदरों कुंडा मार के अंदर विराजमान हुए ते एक कह के साढ़े इत्थे ठहरन बारे किसे नूं नहीं दसना। काफी दिन लंघ गए संगतां धन गुरु अंगद देव जी महाराज दे दीदार लई बेबल हो उठियां। गुरु दर्शन किवें देण। बाबा बुढ़ा जी पास सिख संगत ने बेनती की थी तुहाडे नाल तां सतगुरु दे बचन होए सन तैथों अखों ओले ना हो सां ते अज साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दे दर्शन ने हो रहे किथे विराजमान ने पता नहीं चल रहा। तुसी कृपा करके दर्शन कराओ। बाबा बुढ़ा जी रबाबी नूं नाल लेके कुछ गुरसिखा नूं नाल लेके उस माता दे घर चले गए। बाबा बुढ़ा जी ये जानते सन पुछण ते माता ने नहीं दसना क्योंकि गुरु का हुक्म है। माता भी ऐसी सी गुरु अंगद देव जी दे परिवार दे जीव भी पहुंचे उन्हां दे पुछण ते भी नहीं दसिया। पर बाबा बुढ़ा जी ने पुछया माता की गुरु अंगद देव जी महाराज तुहाडे ग्रह विखे हन। लेकिन माता
जी चुप रहे। चुप नूं समझ गए बाबा बुढ़ा जी। इन्हां ने नहीं दसना क्योंकि गुरु का हुक्म इन्हां नूं है दसना नहीं। ते बाबा बुढ़ा जी ने की कीता, रबाबी नूं बुलाया ते रबाबी नूं बुला के गल आखी कि तुसी सतगुरु नानक देव जी की उचारण की हुई बाणी का शब्द की कीर्ति करो, तुसी शब्द गायन करो। जदों बाबा बुढ़ा जी की आग्या विच उस रबाबी ने गुर शब्द का कीर्तन शुरू किया, कीर्ति शुरू की, जदों गुरु शब्द की आवाज़ धन गुरु अंगद देव जी के कन्नी पई तो झट दरवाजा खोल के बाहर आ गए। इस तो यह गल सिद्ध हो गई, गुरु जदों भी वरतदा गुरु शब्द करके वरतदा है। तुसी हुण भी दर्शन करने ने ते दर्शन गुरु शब्द करके ही होणगे। जदों सिख संगता हुण भी गुरु शब्द की कीर्ति करनगियां, गुरु शब्द राही जस गाउणगियां, गुरु वरत जाएगा, क्योंकि गुरु दे दर्शन हुंदे ही गुरु शब्द चों ने। शरीर करके नहीं, गुरु शब्द करके प्रकाश करदा है। गुरु शरीर नहीं है, गुर शब्द राही वरतदा है। जे गुर शब्द राही वरते है, बेशक एक शरीर सी लेकिन जदों कन्नी शब्द पिया बाहर आ गया। शब्द का सुनना, शब्द रूह के वरतना है। अज भी तुसी दर्शन करने हुण गुरु अंगद देव जी महाराज दे, शरीर करके नहीं हो सकते, गुरु शब्द करके होणगे। क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। जे गुरु शब्द राही गुरु वरतदा है, गुरु शब्द का सुनना, गुरु शब्द का पढ़ना, ये तन तन है दर्शन। जे सुरत गुरु शब्द नाल छू जाए, जिस दी छू गई उस सिख का परसना भी तन तन है। अज यो गल कही, सतगुर दर्शन तन है, तन तन गुर सिख। एक बेनती करा, तुसी शरीर करके बैठे हो, मुबारक है, पर दर्शन उन्हां नूं ही होणगे जिन्हां दी सुरत शब्द दे घर पहुँच जाएगी। सतसंगी उही होणगे जिन्हां दी सुरत शब्द दे घर पहुँचेगी। जे इत्थे शरीर करके बैठ के भी तुहाडी सुरत शब्द दे घर नहीं पहुँची, तुसी सतसंगत च बैठ के भी सतसंगी नहीं। सतसंगी उही होणगे जेड़े सत दा संग करके जाणगे। शरीरां दा संग करन वाले नूं सतसंगी नहीं किया। जदों सत दा संग कोई करेगा ते सतसंगी होएगा। जिन्हां दी सुरत ने जो सतसरूप शब्द वरते है, जो सतसरूप बाणी द्वारा शब्द वरते है, जिन्हां दी सुरत ने संग कर लिया सतसरूप बाणी द्वारा वरते हुए शब्द दा, उन्हां दा परसना तन तन है। लेकिन अज दे शब्द विच इक गल कही, तन तन सतगुर पुरख निरंकार आकार बनाया। जे आप ही नारायण गुरु रूप होके आए, ताइयों भट्टा ने कहा, ज्योत रूपार गुरु नानक कहायो तांते अंगद भयो तत् स्यों तत् मिलायो।
एक दृष्टांत मिलता है। जो धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने गुरमुख भाई लहणे नू ये गल कही, जे मुख गुरमुख भाई लहणे आ, जे तू परमेश्वर दा अंग कमा लवें, जे अंग कमा लवें ना तो मैं कह दिया तू फिर लहणा नहीं रहेगा, अंगत हो जाएगा। आखो वाहिगुरु। फिर कह दिया जे तू अंग कमा लवें, परमेश्वर दा अंग कमा लवें, तू फिर लहणा नहीं रहेगा, अंगत हो जाएगा। गुरमुख भाई लहणे ने हाथ जोड़ के पूछया, सतगुरु जी दसो परमेश्वर दा अंग केड़ा है? ता धन गुरु नानक देव जी ने गल कही, गुरमुख भाई लहणे आ, बाणी राही वरत्या होया शब्द ही परमेश्वर दा अंग है। आखो वाहिगुरु। साढ़े तुहाडे लई भी है, परमात्मा जी बाणी द्वारा वरत्या होया शब्द ही परमेश्वर दा अंग है। गुरमुख भाई लहणे आ, जे परमेश्वर दे शब्द नू कमा लवें, कमाउंदा कमाउंदा शब्द रूप हो जाए, ते मैं कहना सिर्फ अंगद नहीं, तू गुरमुख भाई लहणे आ, तू गुर अंगद हो जाएगा। आखो वाहिगुरु। तू अंगद नहीं, गुर अंगद हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर दे शब्द नू कमाया, कमाउंदे कमाउंदे वह शब्द रूप हो गए, जो शब्द रूप हो गए वह ब्रह्म रूप हो गए, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। जो शब्द नू कमा गए वह शब्द रूप हो गए, जो शब्द रूप हो गए वह ब्रह्म रूप हो गए। शरीर तो एक साज है, शरीर साज विच, गुरु नानक का शरीर भी साज सी, शरीर तो एक साज है, लेकिन शरीर साज में परमात्मा वजंतरी का वजाया होया शब्द ही गुरु जोत है। शरीर साज विच परमात्मा वजंतरी का वजाया होया गुर शब्द ही गुरु जोत है। मकान बदले है, लेकिन रहने वाला तो वही है। असी मकान बदलते हाँ, लेकिन रहने वाले वही ने, शरीर बदले ने, गुरु जोत तां उही है। गुरु नानक दे शरीर तो भाई लहणे दा शरीर आया है, लेकिन गुरु जोत नहीं बदली, गुरु जोत तां उही है, क्योंकि गुरु जोत निरंकार आकार बनाया। आखो वाहिगुरु। निरंकार ने आप ही गुरु रूप होके अपना प्रकाश किया है, निरंकार आप ही गुरु रूप होके प्रगट हुए। तन तन सतगुर पुरख। आखो वाहिगुरु। आखो वाहिगुरु। तन तन सतगुर पुरख, निरंकार आकार बनाया। दूसरा शब्द बोलने तो पहलो आखो वाहिगुरु। अगली पंक्ति विच गल कही, तन तन सतगुर सिख सुन, चरण शरण गुरसिख जो आया, जिते सतगुर दा दर्शन तन, गुरसिख दा परसना तन, जो गुरु रूप आप नारायण आए, ते कहंदे सतगुरु दी सिख्या भी तन तन है। आखो वाहिगुरु। जे सतगुरु दी सिख्या तन तन, उस सिख्या नू सुन के गुरसिख दा गुरु दर ते आउणा भी तन तन। आखो वाहिगुरु। तुहाडा आउणा भी तन तन। मैं संखेप करता जाना, क्योंकि अज के विषय में मैं मुकम्मल करना चाहना। कहते तन तन सतगुरु सिख सुन, सिख्या जिसनू सुन के चरण शरण गुरसिख जो आया। एक समा ऐसा आया, अमृत वेला, भाई लहणा घरों निकले, तुरदे जांदे ने, कन्नी आवाज पई,
वो जो कन्नी आवाज पई वो आवाज केड़ी सी आखो वाहिगुरु अमृत वेले भाई लहना घरों निकले ने बाहर जा रहे ने पर बाहर जांदिया रस्ते विच एक कन्नी आवाज पई वो आवाज केड़ी सी आओ पहलों पढ़ लीए किवें कहिंदी ने जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै जित सेवियै सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालियै सो साहिब सदा संभालियै जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै सुख पाईऐ सो साहिब सदा संभालियै सो साहिब सदा संभालियै जित सेवियै सुख पाईऐ जित कीता पाईऐ अपना जित कीता पाईऐ अपना सा काल बुरी क्यों कालिया सा काल बुरी क्यों कालिया जित से भी जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै सुख पाईऐ जित सेवियै सुख पाईऐ मंदा मूल ना कीतई मंदा मूल ना कीतई ते लम्मी नदर निहालिया ते लम्मी नदर निहालिया जित से भी है सुख पाईऐ जित से भी है जित सेवियै सुख पाईऐ जित से
जो साहिब नाल नहारिया, जो साहिब नाल नहारिया, देवे हाँ पासा डालिया, देवे हाँ पासा डालिया, जिसे लिया सुख पाया, जिसे जो कन्नी बोल पे इस पितर शब्द दे जिधरों आवाज आ रही सी, भाई साहब खिंचे गए